द मनीष शर्मा एकेडमी। हाय, दिस इज मनीष शर्मा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये वीडियो में हम लोग स्टॉक ऑप्शन स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। अगर आप स्टॉक्स में ऑप्शंस बाइंग करते हो या ऑप्शंस सेलिंग करते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है, बहुत काम आने वाला है। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना, काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा। ये वीडियो में मैं आपको एक सिंपल ऑप्शन स्ट्रैटेजी सिखाने वाला हूँ जो आपको स्टॉक्स में काफ़ी काम आने वाली है। सो स्टॉक ऑप्शन स्ट्रैटेजी के बारे में ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो पहले मैं आपको कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जो ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर्स करते हैं स्टॉक ऑप्शंस बाइंग करते टाइम या स्टॉक ऑप्शंस सेलिंग करते टाइम। सो पहले आप मिस्टेक ध्यान से समझना, ज़्यादातर 95% रिटेल ट्रेडर ये मिस्टेक करते हैं, तो ये आपको गलती नहीं करना है। पहले मैं आपको मिस्टेक बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको मेरा एक सिंपल स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो मैं खुद यूज़ करता हूँ स्टॉक ऑप्शंस बाइंग के लिए या स्टॉक ऑप्शंस सेलिंग के लिए। फॉर एग्जांपल, ये किसी स्टॉक का चार्ट है, एक बहुत बड़ा रेड कैंडल फॉर्म हुआ है, उसके बाद एक और रेड कैंडल फॉर्म हुआ है, उसके बाद एक स्मॉल रेड कैंडल फॉर्म हुआ है। ज्यादातर लोग क्या मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर वो लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये बॉटम बन चुका है और ये स्ट्राइक प्राइस के अराउंड का कहीं पे कॉल ऑप्शन बाइंग करना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई कॉल 5 रुपए में खरीदा, वो 6 रुपए या 7 रुपए तक जाता है, लेकिन उसके बाद आपने ऑब्जर्व किया होगा प्राइजेस थोड़ा सा ऊपर आने के बाद वापस डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करता है और वापस नीचे जाना चालू होता है, और जो आपका 6 रुपए का कॉल है या 7 रुपए का कॉल है वो 2 रुपए या 1 रुपए हो जाता है 1 से 2 दिन के टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग ट्रेंड को फॉलो नहीं करते, वो बॉटम फिशिंग करने जाते हैं, कॉल ऑप्शन बाइंग करते हैं और उसमें फंस जाते हैं। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। नेवर ट्राई टू कैच अ फॉलिंग नाइफ, इट मीन्स आपको गिरते हुए चाकू को कैच करने की कोशिश नहीं करना है, ट्रेंड को फॉलो करना है, ट्रेंड को रेस्पेक्ट करना है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग ये गलतियाँ करते हैं स्टॉक ऑप्शंस बाइंग करने में, डाउन ट्रेंड स्टॉक्स में, फॉलिंग स्टॉक्स में 4-5 रेड कैंडल बनने के बाद उनको ये लगता है कि यहाँ पर बॉटम बन चुका है, यहाँ से बाउंस आ सकता है, और उस चक्कर में वो लोग कॉल ऑप्शन बाइंग करते हैं और लॉसेस करते हैं। तो ये आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको ट्रेंड को फॉलो करना है, ट्रेंड को रेस्पेक्ट करना है। ये मैं आपको मिस्टेक बता रहा हूँ जो कॉमन मिस्टेक्स है, ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर ये करते हैं स्टॉक ऑप्शंस बाइंग करते टाइम या स्टॉक ऑप्शंस सेलिंग करते टाइम। सेकंड मिस्टेक ज़्यादातर लोग ये करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई स्टॉक बॉटम से रिकवर कर रहा है, काफ़ी अच्छी रैली दिखा रहा है, 3-4 ग्रीन कैंडल फॉर्म हो चुके हैं, एक छोटा सा डोजी रेड कैंडल फॉर्म होता है और ज़्यादातर लोग यहाँ पर समझते हैं कि ये टॉप बन चुका है, इस लेवल के आसपास कहीं पे नीचे के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन बाइंग करते हैं ये सोचकर कि यहाँ पर टॉप बन चुका है, टॉप फॉर्म हो चुका है, यहाँ से प्राइजेस गिर सकता है, और प्राइजेस जब वापस यहाँ से अपट्रेंड कंटिन्यू करता है उनको पुट ऑप्शन में लॉस हो जाता है। अगर लेट से उन्होंने पुट ऑप्शन बाई किया 10 रुपये में, 8 रुपये में, तो उसका प्रीमियम कम हो जाता है और उसके कारण उनको लॉसेज हो जाते हैं। ये आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, यहाँ पर भी आपको ट्रेंड को रेस्पेक्ट करना है। ये एज्यूम नहीं करना है कि 3-4 ग्रीन कैंडल के बाद यहाँ पर टॉप बन चुका है और यहाँ पर हम लोग पुट ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ज़्यादातर 95% रिटेल ट्रेडर्स ये गलती करते हैं, डाउन ट्रेंड स्टॉक्स में कॉल ऑप्शन बाइंग करते हैं, अप ट्रेंड स्टॉक्स में पुट ऑप्शन बाइंग करते हैं और फिर वो पर्टिकुलर ट्रेड में फंस जाते हैं और लॉसेस करते हैं। तो ये आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। तो पहले मैंने आपको मिस्टेक बताया, कॉमन मिस्टेक है जो ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर करते हैं स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग करते टाइम, चाहे वो स्टॉक ऑप्शन बाइंग हो या फिर स्टॉक ऑप्शन सेलिंग हो। अब यहाँ से वीडियो थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। यहाँ पर मैं आपको कोई भी प्राइस एक्शन, चार्ट पैटर्न्स वगैरह के बेसिस पे स्ट्रैटेजी नहीं बताने वाला, ना ही कोई इंडिकेटर्स बेस पे स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। सिंपल मेथड है बट काफ़ी इफेक्टिव मेथड है अगर आप स्टॉक ऑप्शंस बाइंग करते हो या स्टॉक ऑप्शंस सेलिंग करते हो। तो यहाँ से वीडियो ध्यान से देखना, पूरा एंड तक देखना और स्ट्रैटेजी ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहला पॉइंट है फाइंड अ बॉटम एरिया और टॉप एरिया इन द चार्ट। आपको बॉटम एरिया और टॉप एरिया फाइंड आउट करना है चार्ट पे। तो फॉर एग्जांपल, जब आप चार्ट ऐसे ओपन करते हो, ये जो एरिया होता है इसको बोलते हैं बॉटम एरिया और ये जो ऊपर का एरिया होता है इसको बोलते हैं टॉप एरिया। तो एरिया आप पहले समझ लो, ये जो एरिया है इसको बॉटम एरिया बोलते हैं, बॉटम एरिया ऑफ द चार्ट, ये जो एरिया है इसको टॉप एरिया ऑफ द चार्ट बोलते हैं। इसका क्या यूज होगा आपको स्ट्रैटेजी में, नेक्स्ट पॉइंट में समझ में आएगा, बट ध्यान से समझ लो ये बॉटम एरिया है और ये टॉप एरिया ऑफ द चार्ट है। सेकेंड पॉइंट है, ये स्ट्रैटेजी में आपको वीकली चार्ट एनालिसिस करना है, मतलब ये स्ट्रैटेजी में हम लोग डेली चार्ट या आवरली चार्ट के बेसिस पे ट्रेड नहीं लेने वाले, ये स्ट्रैटेजी में हम लोग वीकली चार्ट के बेसिस पे ट्रेड लेने वाले हैं। सो ध्यान से समझना, आपको चार्ट देखना है यहाँ पर, वीकली का चार्ट।
सो यहाँ पर आपको W सेलेक्ट करना है, वन वीक का चार्ट हो गया, यानी एक एक कैंडल जो है वो एक हफ्ते का कैंडल है, वन वीक का कैंडल है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फाइंड अ बिग ग्रीन कैंडल और बिग रेड कैंडल, एटलीस्ट 8 से 10% का वो कैंडल में मूवमेंट होना चाहिए, 8 से 10% या उससे ज़्यादा का मूवमेंट का वो कैंडल का साइज होना चाहिए। ध्यान से समझना, फाइंड अ बिग ग्रीन कैंडल और फाइंड अ बिग रेड कैंडल। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको ये वाला कैंडल दिख रहा होगा, बड़ा ग्रीन कैंडल है, और अगर आप प्राइस मूवमेंट देखो तो ये कैंडल का लो है 506, ये कैंडल का हाई है 583, और ये कैंडल का क्लोज जो है वो 575 है, जो कि नियरेस्ट टू हाई प्राइस के आसपास है। यानी ये कैंडल परफेक्ट कैंडल है एज पर आवर स्ट्रैटेजी। तो जब ये कैंडल का हाई ब्रेक होगा, हम लोग इमीडिएट आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन बाइंग करेंगे। इमीडिएट आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन क्या होता है ये समझना है अगर आपको, तो आप हमारा ऑप्शंस बाइंग सीक्रेट कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जो कि 199 रुपीज़ का है। इसमें मैंने स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन भी बताया है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस में आपको ट्रेड लेना चाहिए, स्टॉप लॉस मैनेजमेंट भी बताया है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किस तरीके से करना है वो भी सिखाया है। तो कौन से स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करना है, रिस्क रिवॉर्ड क्या होना चाहिए, एंट्री एग्जिट क्या होना चाहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे करना है, कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है, कितने पॉइंट का टारगेट फॉलो करना है, ये सब कुछ आपको डिटेल में सीखने मिल जाएगा। ऑप्शंस बाइंग सीक्रेट कोर्स 199 रुपीज़ का ही कोर्स है। ये वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो जब ये कैंडल का हाई क्रॉस होगा, हम लोग यहाँ पर इमीडिएट आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन बाइंग करेंगे। कॉल ऑप्शन क्यों बाय कर रहे हैं, क्योंकि ये कैंडल का कलर ग्रीन कलर है, और यहाँ पर ये कैंडल में बाइंग इनिशिएट हुआ है। कैसे पता चला, क्योंकि ये कैंडल का जो क्लोज है हाई के आसपास ही क्लोज हुआ है, नंबर वन। नंबर टू, ये कैंडल का लो से अगर हम लोग क्लोजिंग प्राइस कंपेयर करें तो 8 से 10% मूवमेंट का ये कैंडल बन रहा है। तो हमें बड़ा ग्रीन कैंडल देखना है जिसका साइज 8 से 10% होना चाहिए, या उससे ज़्यादा है तो बेटर है। तो अगर यहाँ पर कहीं पर आप कॉल ऑप्शन बाइंग करते, डेफिनेटली आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आता, क्योंकि आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा मूवमेंट हुआ है। सो ये भारतीय एयरटेल का वीकली चार्ट, ये कैंडल ध्यान से देखना, ये कैंडल का हाई है 565, ये कैंडल का लो है 524, यानी ऑलमोस्ट 10% का कैंडल है, और ये कैंडल का क्लोजिंग प्राइस जो है वो लो के आसपास हुआ है। तो 528 का क्लोजिंग प्राइस है, 524 का लो है, यानी ऑलमोस्ट हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से परफेक्ट कैंडल है ये। जब ये कैंडल का लो ब्रेक होगा तब हम लोग पुट ऑप्शन बाइंग करेंगे, और अगर हम लोगों ने यहाँ पर पुट ऑप्शन बाइंग किया होता इमीडिएट आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन, तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आता। तो आई होप आपको स्ट्रैटेजी क्लीन एंड क्लियर समझ में आ रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी का भी एग्जांपल देखते हैं तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है, और आपको ये कैंडल परफेक्टली दिख रहा होगा। ये कैंडल पर अगर मैं क्लिक करूँ तो ये कैंडल का लो जो है वो 24,000 के आसपास है, हाई प्राइस जो है वो 26,853 के आसपास, यानी 2,500 पॉइंट का कैंडल है। 2,500 पॉइंट कंपेयर करें बैंक निफ्टी के प्राइस के हिसाब से तो ऑलमोस्ट 10% का मूवमेंट है, क्योंकि तभी बैंक निफ्टी का प्राइस 26,000 के आसपास था, यानी 10% का कैंडल है। हमारी स्ट्रैटेजी के रूल के हिसाब से कैंडल फॉर्म हुआ है, ग्रीन कलर का कैंडल है, और ये कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है वो हाई के आसपास है, 26,798 के आसपास क्लोजिंग है, और 26,853 का हाई बना है। यानी जब भी ये कैंडल का हाई ब्रेक होता हम लोग यहाँ पर इमीडिएट आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन बाइंग करते, और इसमें आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आता। अब यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का क्वेश्चन होता कि वीकली ऑप्शंस बाइंग करना है या मंथली ऑप्शंस बाइंग करना है। यहाँ पर आप वीकली ऑप्शंस भी बाइंग कर सकते हो, मंथली ऑप्शंस अगर आप कर रहे हो तो आपको ऑप्शन स्ट्रैटेजी में ट्रेड करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि मंथली ऑप्शंस का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगर आपको ऑप्शन स्ट्रैटेजी सीखना है तो यहाँ पर आप हमारे ऑप्शंस लेवल 1 लेवल 2, ये दो कोर्सेज हैं, ये दोनों कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी सारी एडवांस ऑप्शन स्ट्रैटेजीज इसमें कवर की है। ऑप्शंस लेवल 1 500 रुपीज़ का ही है, ऑप्शंस लेवल 2 थोड़ा एडवांस कोर्स है जिसमें ऑप्शंस राइटिंग और फायर फाइटिंग एडजस्टमेंट सब कुछ कवर है, जो कि 6999 का है। पढ़ाई होप आपको स्ट्रैटेजी क्लियरली समझ में आ रही है। ग्रीन कैंडल फॉर्म होना चाहिए वीकली चार्ट पे, 8 से 10% का वो कैंडल का साइज होना चाहिए मूवमेंट का। अगर आप ग्रीन कैंडल फॉलो कर रहे हो तो क्लोजिंग प्राइस जो है वो हाई के आसपास होना चाहिए, हाई के अराउंड होना चाहिए। अगर आप रेड कैंडल फॉलो कर रहे हो, बेरिश ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हो, पुट बाय करने की कोशिश कर रहे हो, तो रेड कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है वो पर्टिकुलर कैंडल का लो प्राइस के आसपास क्लोजिंग प्राइस होना चाहिए। एक और एग्जांपल हम लोग बेरिश एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको बेटर तरीके से स्ट्रैटेजी समझ में आएगा। यहाँ पर आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, ये जो रेड कैंडल है ये परफेक्टली हमारे स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैच हो रहा है। ये कैंडल का लो जो है वो 3346 है, 3346। ये कैंडल का हाई है 3590, यानी ऑलमोस्ट 250-300 पॉइंट का कैंडल है।
8-10% ऑफ द स्टॉक प्राइस जो हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से कैंडल साइज है, और ये कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है 3364 है, लो प्राइस है 3346, यानी ऑलमोस्ट क्लोजिंग प्राइस लो के अराउंड है जो कि एज पर द स्ट्रैटेजी मैच हो रहा है। जब ये कैंडल का लो ब्रेक होगा तब यहाँ पर हम लोग क्या बाइंग करेंगे, इमीडिएट आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन बाइंग करते हैं, और अगर हम लोग ये ट्रेड होल्ड रखते हैं तो डेफिनेटली इसमें आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आता क्योंकि उसके बाद प्राइजेस में काफ़ी अच्छा फॉल आया है। ये स्ट्रैटेजी इंट्राडे के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये स्ट्रैटेजी स्विंग ट्रेडर्स के लिए है जो स्टॉक ऑप्शंस बाइंग करते हैं एक हफ्ते या दो हफ्ते के लिए, या फिर स्टॉक ऑप्शन सेलिंग करते हैं एक हफ्ते या दो हफ्ते के लिए। तो आई होप आपको स्ट्रैटेजी क्लीन एंड क्लियर समझ में आ रहा है। फोर्थ एंड फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रेड विथ मोमेंटम। तो आपको मोमेंटम कैच करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया था बॉटम एरिया ऑफ द चार्ट एंड टॉप एरिया ऑफ द चार्ट, अब वो पॉइंट आपको यहाँ पर बहुत काम आएगा। अब ध्यान से समझना स्ट्रैटेजी का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रीन कैंडल वीकली चार्ट पे बॉटम एरिया में ही फॉर्म होना चाहिए तभी आपको ट्रेड लेना है। अगर ग्रीन कैंडल टॉप एरिया ऑफ द चार्ट में फॉर्म हो रहा है तो हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। ध्यान से समझ लेना, बॉटम एरिया में ग्रीन कैंडल फॉर्म होगा जब उसका हाई ब्रेक होगा तभी हम लोग स्टॉक ऑप्शंस में जाके कॉल ऑप्शन बाइंग करेंगे। टॉप एरिया में बेरिश रेड कैंडल चाहिए ऊपर की तरफ, और जब वो बिग रेड कैंडल का लो ब्रेक होगा तब हम लोग पुट ऑप्शन बाइंग करेंगे। तो बॉटम एरिया ऑफ द चार्ट में आपको फाइंड आउट करना है ग्रीन कैंडल, टॉप एरिया ऑफ द चार्ट में आपको फाइंड आउट करना है रेड कैंडल। कैंडल का साइज होना चाहिए 8-10% मूवमेंट या उससे ज़्यादा होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रीन कैंडल जब फॉर्म हो रहा है उसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो कैंडल के हाई प्राइस के आसपास होना चाहिए, और जब रेड कैंडल फॉर्म हो रहा है तो उसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो कैंडल के लो के प्राइस के आसपास होना चाहिए। तो आई होप आपको स्ट्रैटेजी समझ में आ रहा है, और आपको ट्रेंड को रेस्पेक्ट करना है। ट्रेंड को रेस्पेक्ट करना है इसका मतलब ये है, वीकली चार्ट पे अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो कोशिश यही करना है कि आपको पुट ऑप्शन बाइंग ट्रेड पे ज़्यादा फोकस करना है, और वीकली चार्ट में अगर अप ट्रेंड में स्टॉक है तो कोशिश यही करना है आपको बाइंग की तरफ ज़्यादा फोकस करना है, बाय कॉल पे ज़्यादा फोकस करना है। तो आई होप आपको स्ट्रैटेजी क्लियरली समझ में आ रहा है। ये पूरी तरीके से कम्प्लीटली स्ट्रैटेजी मैंने कवर नहीं किया है, इसमें और भी फाइन ट्यूनिंग हम लोग कर सकते हैं, और भी इसमें हम लोग एडिशनल इंडिकेटर्स लगा सकते हैं, एडिशनल डबल कन्फर्मेशन पैरामीटर्स यूज़ कर सकते हैं अगर आपको स्ट्रैटेजी डिटेल में सीखना है। इसके अलावा और भी नई स्ट्रैटेजी सीखना है, नए मेथड सीखना है, तो आप हमारे टेक्निकल एनालिसिस प्राइस एक्शन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इसमें कंप्लीटली बेसिक से लेकर एडवांस तक टेक्निकल एनालिसिस सिखा है विद एडवांस प्राइस एक्शन, तो प्राइस एक्शन वगैरह सब कुछ कवर किया है, काफ़ी सारे मेथड्स कवर किए हैं, और ये एल्गो के साथ हम लोग सिखाते हैं, तो एल्गो ट्रेडिंग ऑटोमेशन भी इसमें कवर है। अगर आपको सीखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है और मोबाइल ऐप का भी लिंक दिया हुआ है। तो आई होप आपको स्ट्रैटेजी अच्छा लगा होगा, स्ट्रैटेजी समझ में आया होगा। एक पॉइंट मैं यहाँ पर वीडियो के एंड में एडिशन करना चाहूँगा जो कि ऑप्शन राइटर के लिए है, जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं स्टॉक्स में, उनके लिए यहाँ पर ट्रेड रिवर्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जब ये कैंडल का लो ब्रेक होगा ऑप्शन बायर जो है वो यहाँ पर पुट ऑप्शन बाइंग करते हैं, लेकिन ऑप्शन सेलर जो है वो यहाँ पर कॉल ऑप्शन सेलिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कॉल ऑप्शन सेलिंग करेंगे जब ये कैंडल का लो ब्रेक होगा, उसी तरीके से जब ये कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो एज अ ऑप्शन सेलर हम लोग यहाँ पर पुट ऑप्शन शॉर्ट करेंगे। तो एज अ ऑप्शन बायर भी आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आ रही होगी, एज अ ऑप्शन सेलर भी आपको ये स्ट्रैटेजी क्लियरली समझ में आ रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। स्ट्रैटेजी रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है, क्वेरीज है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर पूछना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।